बहुत ही सोच विचार कर पूरी गहन मंथन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में भाई डॉक्टर मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में चयन किया है। मैं अपने पूरे कल्याणम परिवार की तरफ से हृदय के गहराइयों से उन्हें इस दायित्व की बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना एवं बधाई देता हूं। साथियों, जिस तरह से हो हल्ला मचा हुआ था, जिस तरह से लोग कयास लगा रहे थे कि मध्य प्रदेश में किसको बागडोर सौंपी जाएगी, साथियों मैं बता दूं कि पिछले 15 सालों से हम भी भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही की तरह से काम करते हैं, संगठन की सेवा करते हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ अवध क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और सौभाग्य से अपने बड़े भाइयों के साथ बैठने का अवसर मिलता है। संगठन के बड़े बड़े सभाओं में मुझे भी कुछ सीखने का मिलता है, तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं यही कहूंगा कि ये सिर्फ पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है। और जब तक आम विचार, आम जनमानस और पूरा उस पर मंथन न कर लिया जाए, तब तक कोई भी निर्णय पार्टी नहीं लेती है। यही तो सबसे खासियत है और हम कार्यकर्ताओं के लिए ये सबसे बड़ी बात यही होती है कि कार्य करने का और पार्टी की सेवा करने का एक ऐसा जुनून पैदा होता है। निश्चित रूप से बड़ा ही गर्व होता है कि हम भी इस तरह के संगठन से जुड़े हुए हैं और सेवा कर रहे हैं। निश्चित रूप से अपने भाई और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिस तरह से उनका विचार है, जिस तरह से उनका व्यक्तित्व है, वो शुरू से ही पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता से रहे हैं और अब तो वो पिछले 3 बार से विधायक हैं, दक्षिण उज्जैन से वो तीसरी बार विधायक चुन के आए हैं और 2020 के शिवराज सरकार में वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, तो उनका लंबा अनुभव भी है। और सबसे बड़ी चीज है कि उनकी विनम्रता, उनका कार्यशैली और उनकी सादगी और दृढ़ निश्चय निश्चित रूप से एमपी को एक बहुत बड़ा मुकाम दिलाएगा, हमें पूर्ण विश्वास है। मैं निश्चित रूप से पुनः उन्हें अपने कल्याणम परिवार की तरफ से सुखद जीवन और बेहतर भविष्य की बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना एवं बधाई देते हुए उन्हें बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। जय हिंद, जय भारत।